Assalamualaikum everyone और एक नए दिन के साथ जो है आज एक दफा फिर से हम रॉयल्सन फैसलाबाद में जाएंगे और आज शफकत साहब हमारे लिए क्या नई डिश लेके आते हैं वो भी हम डेफिनेटली देखेंगे. हमारे इस वीडियोस का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग घर बैठे इजीली सारा कुछ आसानी से तैयार कर सकते हैं और उन्हीं सारी चीजों के साथ जो कि आपके घर में मौजूद होती है. तो आज के हमारे इस एपिसोड को स्पॉन्सर किया है डेफिनेटली मेरिट ब्रेड ने और मेरिट की कौन सी ऐसी प्रोडक्ट जो है हम अपने आज के इस डिश में यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ में और मेरा जो वार्डरोब है ये मुसद्दिक मुनीर मतलब के ब्रांड मुसद्दिक मुनीर उन्होंने स्पॉन्सर किया है. बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारी डिश जो है वो क्या वेट कर रही है आप सबके पास जो है वो आने के लिए. So thank you so much everyone और एक दफा फिर से आज हम लोग हैं रॉयल्सन फैसलाबाद में और रॉयल्सन में आपको बिल्कुल मालूम है कि हमारे पाकिस्तान के जबरदस्त शेफ शफकत साहब हैं. सर सबसे पहले कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी. और आपके रमजान भी तो सर बिल्कुल माशाल्लाह अच्छा जा रहा है. रोजे जो है बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह. तो सर आज हमारे व्यूवर्स को जो है वो आपकी तरफ से सीखने का क्या ऐसा मौका मिलेगा? आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए एक अच्छी डिश लेके आया हूँ. सादा है लेकिन अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव. मतलब फिलर है, आप उसको मेन कोर्स में भी यूज कर सकते हैं. इसका नाम है चिकन कैसेडिला. चिकन कैसेडिला इटालियन डिश है. इटालियन डिश है, क्या बात है सर. हम पाकिस्तानी डिशेस के अलावा अब इटालियन डिशेस भी जो है वो अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे यहाँ. सो बगैर किसी और चीज का वेट करते हुए इसकी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और आज की जो है इस एपिसोड को शुरू करते हैं. सो थैंक यू सो मच सर. बढ़ते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स की तरफ और देखते हैं कि चिकन कैसे डेला इसके जो है इंग्रेडिएंट्स क्या है. सबसे पहले हमें चाहिए जी शॉर्मा ब्रेड. मेरिट की शॉर्मा ब्रेड हम मार्केट में से इजीली अवेलेबल है, यूज करते हैं कहीं पे भी जो है वो अवेलेबल है जी. उसके अलावा हमें चाहिए चिकन जूलियन. ठीक है, बारीक जूलियन काटा हुआ मैंने चिकन को. ठीक है, साथ में चाहिए मुझे कैप्सिकम, शिमला मिर्च, ऑनियन ये भी जूलियन कटिंग में है जी. टोमेटोज ये भी जूलियन कटिंग में है जी. इसके साथ मुझे चाहिए गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट. ठीक है, थाई चिली या हॉट सॉस भी आप यूज कर सकते हैं. अगर थाई चिली नहीं है, थाई चिली नॉर्मली घरों में बन जाती है, मोस्टली लोगों को पता है ये क्रश चिली को जो है वो बनाते हैं इसके है. साथ हमें चाहिए ब्लैक पेपर व्हाइट पेपर जी. और केचप चाहिए, क्रश चिली सॉल्ट एंड चीज जो मैंने क्रश करके ऑलरेडी रखी हुई है. और हमें चाहिए 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल. अभी हम लोग इसको बनाएंगे. मतलब सर ये भी तकरीबन वही सारी चीजें जो कि नॉर्मली हमारे घर में होती है. तकरीबन मुझे सिर्फ जो है वो एक इसमें से ऐसी चीज लगी है, बाकी वो मेरिट की ब्रेड जो कि हमने मार्केट से लेनी है. बाकी जो है मेरे ख्याल में सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है. इंग्रेडिएंट्स आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे. अभी हम बढ़ते हैं कि इस जबरदस्त से कैसेडिला को जो है वो बनाते कैसे हैं, आइए देखते हैं. थैंक यू सो मच वंस अगेन. और अभी हम इंग्रेडिएंट्स के बाद सर शुरू करते हैं मेरे ख्याल में. अभी सबसे पहले हमें चाहिए इसके लिए 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल जी, जो कि हम यहाँ पे डालेंगे हमारे इस फ्राई पैन में. नेक्स्ट 2 टीस्पून ऑफ गार्लिक जिंजर पेस्ट जी, मैंने ऑलरेडी बना के रखा भाई जो कि आपने बनाया हुआ था पहले. इसको हमने करना है सौते. ठीक है भाई, जब ये अच्छे से हो जाएगा हम लोग इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम ऑफ चिकन जो मैंने जूलियन काट के रखा हुआ, क्योंकि आपने बिल्कुल उसे काट के रखा हुआ था. लिटिल बिट वाटर ताकि आपका वो जो आपने गार्लिक जिंजर डाला है वो साथ ना लग जाए, बिल्कुल गले नहीं, गले नहीं साथ ना लग जाए, ये इम्पोर्टेंट होता है इसके लिए. वाओ सर, इसकी तो खुशबू वैसे भी वो तड़के वाली जो खुशबू है ना. Now we are going to add little bit more water. ये आप वो मौके की मुनासबत से जितना जितना वो जो जो बनाते हैं घर में डेली उनको मालूम होता है. चिली पेस्ट 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा जी. ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर. ओके, पिंच ऑफ व्हाइट पेपर. हाफ टी स्पून ऑफ क्रश चिली जी.
हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट सॉल्ट ठीक है अभी हमने इसको डाला और इसमें ऐड करेंगे हम लोग वेजिटेबल ऑनियंस ऑनियंस करेंगे एंड कैप्सिकम कैप्सिकम करेंगे टोमेटो भी हमने इसमें ऐड ऑन नहीं करने जी टोमेटो बड़ी सॉफ्ट सी वेजिटेबल है जल्दी जरा वो भून जाती है ना जी और ये सर हमारा सारा बड़ा जबरदस्त जो मटेरियल है फूड का वो भी रेडी हो रहा है खाने पीने की चीजें तो सर सारी चलती रहती हैं लेकिन रॉयल सिंह फैसलाबाद के जो सर शफकत हैं आपको ऐसी चीजें बताएंगे जो आप लोगों के लिए बिल्कुल डिफरेंट होंगी और आप इजीली घर पे तैयार कर सकते हैं इजी टू मेक होगी और आप एक डिफरेंट और एक नई आइडिया अभी आप आज देख सकते हैं कि आज एक ये एक इटालियन डिश है जो कि आप लोग अपने घर में तैयार कर सकते हैं और मोस्टली सर ये तो रॉयल सिंह में आने के लिए जो है वो सबको फिर मिलता है यहाँ पे रॉयल सिंह में आने के बाद और आप देखें अभी ये घर पे भी बना सकते हैं आपको सारे सीक्रेट्स जो है वो शफकत साहब अपने बता रहे हैं जी और मेरे ख्याल में सर ऑलमोस्ट रेडी है वो सारी चीजें इसमें डालने के बाद ये अभी पक चुका है इसमें ऐड करेंगे टोमेटो केचप ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून ऑफ केचप हमने ऐड किया इसमें ठीक है जी 4 टेबलस्पून ऑफ केचप यू जस्ट ऐड इनटू इट ऐड मोर वाटर लिटिल बिट जी तो लुक ही बड़ी जबरदस्त हो गई है इसके साथ साथ ये हमारा चिकन जो है ये बन गया हुआ है पक गया हुआ है इसमें वेजिटेबल जो है वो सौते हो गई अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे ऑरिगेनो बाजार में से इजीली अवेलेबल है जरा कॉन्टिनेंटल टच रहता है इसके अंदर इटालियन टच रहता है इटालियन टच रहता है मुझे मालूम है कि सही इटली में ये अपनी डिशेज में बहुत चूज करते हैं अभी यूज किया इसमें हाफ टी स्पून ऑफ ऑरिगेनो जी और अभी हम लोग इसमें ऐड ऑन करेंगे चीज चीज चेडर चीज चेडर चीज जो कि मैंने जस्ट टी स्पून इसमें डाली है जी इसमें हम लोग मिक्स करेंगे इसको इसका फ्लेवर एनहांस हो जाएगा ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू ऐड माय टोमेटोस टोमेटो जो है वो जल्दी जो है वो पक जाते हैं तो इसलिए जरा इसको कोशिश किया करें कि एंड पे जो है आप लोग ऐड कर लें क्रंची रहे और उसका जो टेस्ट है वो ही बरकरार रहे जिसके लिए क्या है ये हमारा जो कैसे डेला का मिक्सचर जो है ये रेडी है रेडी हो अभी हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलते हैं अपनी रेसिपी और जी इस तरह से हमारा कैसाडिला का जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है आगे बढ़ते और आगे देखते हैं अभी कैसाडिला को बनने में और कितना वक्त दरकार है अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसमें हमने लेना है पीटा ब्रेड जी जो मैंने पहले बोला मार्केट में इजीली अवेलेबल है मेरिट ब्रेड और पाकिस्तान की एक वेल नाउन कंपनी है जो कि पूरे पाकिस्तान में फूड के हवाले से बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स जो है वो सर्व भी कर रहे हैं और आज के हमारे इस एपिसोड के स्पॉन्सर भी है मेरिट ब्रेड तो थैंक यू सो मच मेरिट ब्रेड और हल्का सा हमने इसको ऑयल ग्लेज करना है जी ऑयल ग्लेज करने का फायदा ये होगा कि जब हम पीटा ब्रेड को ऑयल ग्लेज करेंगे जी तो ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी सॉफ्ट थोड़ी सी जब इसको फोल्ड करेंगे तो इजीली फोल्ड हो जाएगा अगर हम इसको ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये क्रंची हो जाती है हार्ड हो जाती है तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी जो है वहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लें ऑयल लगा के ठीक है गरम करना है और इसके बाद इसको ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी है और उसके बाद मेरे ख्याल में इसको ऐड करेंगे और इसके एंड पे लुक देखेंगे कि आज की हमारी इस डिश की लुक जो है वो कितनी जबरदस्त बनती है और आप लोगों ने देखा भी होगा कि इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें सर एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी लेकिन आपको हमारे इस शो में वही कुछ सीखने का मौका मिलेगा जो आप लोग इजीली अपने घर बैठे तैयार कर सके और अपने घर में मौजूद चीजों के साथ सिर्फ इसमें मेरे ख्याल में आज सिर्फ मेरिट ब्रेड है या एक आधा और ऐसी इंग्रेडिएंट है जो कि आपको मार्केट में जाके लेनी पड़ेगी अदरवाइज एवरीथिंग इज अवेलेबल एट योर होम जी सर मेरे ख्याल में हमारे पास जो है वो एक पीस जो है वो रेडी हो चुका है और ये हमारा सेकंड जो है वो पिता वो भी रेडी भी हो रहा है
ऑलराइट एवरीवन, और मेरे ख्याल में सर ये भी अभी नरम जो है वो हो चुके हैं, हमने इसको जो है हल्का सा जो हमारे पास हॉट सॉस पड़ी है इसको हमने थोड़ी सी इसके ऊपर जो है ग्लेज करना है विद द हॉट सॉस जी। ये आपके डिपेंड करता है कि आप कितना स्पाइसी लेना चाहते हैं, अगर आप स्पाइसी ज्यादा चाहते हो तो आप उसको थोड़ा हॉट सॉस जो है और लगा लें जी। उसके बाद जो है केचप हल्की सी जी, जस्ट हमने इसको ऐड कर दिया इसके ऊपर जी बिल्कुल। और उसके बाद जो हमारा मिक्सचर रेडी था, जो हमारा मिक्सचर रेडी हुआ था वो हमने इसके ऊपर प्लेस करना है। वाओ, एक साइड पे यूं हाफ हमने इसका मिक्सचर जो है वो लगाना है जी, हाफ लगाना है जी। ये आप लोगों ने भी ख्याल रखने इस चीज का कि इसको बिल्कुल ऊपर नहीं, जस्ट इसके हाफ पे प्लेस करते हैं हमने, और साथ में चैटर चीज मेरे ख्याल में हमने इसके ऊपर चीज ऊपर इसकी प्लेस कर देनी है जी। और ये चीज हम इसके ऊपर जो है वो प्लेस कर देंगे साथ ही। एंड फोल्ड इट, फोल्ड इट, ओके। आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा, अगर आप इटालियन मूवीज देखते होंगे तो वहां पे ऐसे जो है वो चीजें आपको फूड में जरूर नजर आती होंगी। इसकी तो शेप बड़ी जबरदस्त बनी है और इसकी लुक जो है, आपके अगर गेस्ट आते हैं जैसे अफ्तारी में, आप अगर उनको ऐसी चीजें देंगे तो वो भी एक दफा कहेंगे कि वाओ, इसको खाने में भी आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे आप जी। वेरी मच यमी, टेस्टी एंड कलरफुल, और सारी इसमें वो चीजें हैं जो आप इजीली जो है अपने घर से यूज कर सकते हैं, और हेल्दी चीजें जो हम नॉर्मल घर में यूज करते हैं। हमने हॉट करना है जी, ग्रिप कर ले, अच्छा ग्रिप कर ले अच्छे से। और इससे ये भी है कि इसके अंदर जो हमने मटेरियल डाला है सारा वो गिरेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, और एक इसकी जो लुक है प्रेजेंटेशन में भी वो भी बड़ी जबरदस्त आएगी, क्योंकि खाने का टेस्ट तो मैटर करता ही है, लेकिन साथ साथ अगर उसकी लुक जो है वो भी जबरदस्त हो तो वो खाना जो है और जबरदस्त हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं साथ साथ ही कि किस तरह से इसको जबरदस्त तरीके के साथ इसमें पहले फिल किया, और फिल करने के बाद इसे हल्का हल्का दोनों साइडों में हमने फ्राई पैन में इसको जो है वो बिल्कुल रखा, ताकि इसकी जो शेप है, जो इसकी लुक है वो बरकरार रहे, और आप अपने हिसाब से इसको एक जबरदस्त बना सकते हैं। सही है, तो वो भी ऐसी चीजें हैं कि स्कूल में भी बच्चे जो है वो टिफिन में अपने लेके जा सकते हैं, पेरेंट्स जो है घर में जो माएं हैं वो अपने बच्चों को इजीली दे सकते हैं ताकि वो टिफिन में लेके जा सके, और सारी वो चीजें जो बड़ी जबरदस्त है। आप लोगों ने बिल्कुल देखे होंगे, नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।